मनीष भड़ुआ उसको बोला जाएगा तब उसको ठीक लगेगा। बाबा सिर्फ बिहार है, मनीष का सिर्फ सोनो बिहार नहीं है। यशवी यादव आप लोग के लिए सही, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इतना बेरोजगार लोग घूम रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार है। एक बात और कहना चाहेंगे कि कहाँ है मनीष कश्यप आज के चुनाव में? मोदी मीडिया का रखवाला किधर है? मोदी का बेटा किधर है? मनीष मनीष भड़ुआ उसको बोला जाएगा तब उसको ठीक लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, RRB ग्रुप टी द्वारा वैकेंसी निकाला था जिसमें सीट कम होने के कारण सभी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं पर मनीष कश्यप को घेरा गया। मकान विद्यार्थी का कहना है कि मनीष कश्यप हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी पक्ष मनीष कश्यप का कहना है कि हम विद्यार्थी के सपोर्ट में हैं। आइए मनीष कश्यप का राय जानते हैं। मनीष कश्यप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चा जो है बोल रहा है क्या कि अयोध्या में जाके आप बैठे थे बिना काम का, राम मंदिर का बात कर रहे थे बिना काम का। राम मंदिर का मैं बात कर रहा था तो बिना काम का कर रहा था क्या? जरा सोचिए, मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूं। जितने शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, RRB ALP के बच्चों को पढ़ाते हैं, रेलवे की तैयारी करवाते हैं, जितने भी शिक्षक है इस देश में, वो सारे शिक्षक अगर अपने बच्चों को शांतिपूर्वक अच्छे जगह पे गांधी मैदान या लखनऊ का कोई मैदान या दिल्ली का कोई मैदान वहां पे धरना करने के लिए बोले तो क्या सरकारें बातें नहीं मानेंगी? सरकारें बातें मानेंगी, लेकिन ये सारे शिक्षक कहीं नहीं तो कहीं विपक्ष के कुछ नेताओं से मोटिवेटेड रहते हैं और विपक्ष के कुछ पार्टियों से फंड लेते हैं, और फंड लेने के बाद जो है ना ये शिक्षक जो है बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा के सड़कों पर छोड़ देते हैं। बच्चों का जो मांग है, जेन्युइन मांग को, बच्चों के छात्रों के जेन्युइन मांग को पूरा किया जाए किसी भी हाल में।